अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स आई होप आप सब लोग ठीक होंगे पाकिस्तान में आजकल जो टॉप ट्रेंडिंग डिग्रीज चल रही है उनमें से जो मेजर तीन डिग्रीज है वो है सीएस जिसको हम कंप्यूटर साइंसेस कहते हैं एसई जिसको हम लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कहते हैं और आईटी जिसको हम लोग इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी कहते हैं ये टॉप थ्री डिग्रीज हैं जो कि बहुत ट्रेंडिंग है जो कि स्टूडेंट्स करते हैं ना तो उनको पता है कि मुझे कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट हो जाएगी मुझे कहीं ना कहीं जॉब मिल जाएगी मैं ऐसे नहीं भूखा नहीं रहूँगा फ्यूचर में या मुझे ये नहीं होगा कि मुझे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कम मिलेंगी बाकी डिग्रीज भी इतनी ही इंपॉर्टेंट है जो कि मेडिकल uh, से रेलीवेंट है और इंजीनियरिंग से रेलीवेंट है और इसके अलावा बहुत सारी डिग्रीज हैं जो आर्ट्स और कल्चर से रेलिवेंट है मैं उनकी बात नहीं कर रही मैं इन तीनों डिग्रीज की बात कर रही हूँ सी एस एस ई और आई टी ये तीन डिग्रीज ऐसी है जो कि आप लोगों को हर जगह पर हर ऑर्गेनाइजेशन में हर बिजनेस डिपार्टमेंट में हर नॉन कॉपरेटिव और कॉपरेटिव सेक्टर में इन तीनों जो प्रोफेशनल्स होते हैं सीएस प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर इंजीनियर और आईटी जो प्रोफेशनल होता है उनकी डिमांड जो होती ही होती है कौन सी यूनिवर्सिटी ऐसी है जिसमें हम लोग इस डिग्रीज को करें तो ठक करके हम मार्केट में जाओ और हमें जॉब मिल जाए सिर्फ यूनिवर्सिटी का नाम ही काफ़ी है वो कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ है मैं आप लोगों को बताती हूँ अच्छा मैं आप लोगों को दो टाइप की यूनिवर्सिटीज़ बताऊँगी जिसमें पहली कैटेगरी होगी जिसको हम लोग कहते हैं बहुत ही ब्रांडेड यूनिवर्सिटी है बहुत ही हाई लेवल यूनिवर्सिटीज़ हैं हाई एंड यूनिवर्सिटीज़ हैं एक्सपेंसिव ज़रूर हैं मगर वो यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जिनका नाम सुनते ही आप लोगों को मार्केट में जॉब मिल जाती है वो नहीं देखते आपका जी क्या है आप आपके कितने मार्क्स हैं आप कितने सब्जेक्ट्स में पास हैं कितने में फेल हैं आप उन यूनिवर्सिटीज़ का नाम जो होता है ना वो कहते हैं वही काफ़ी होता है तो आज मैं उनका नाम भी बताऊंगी और उसके अलावा सिर्फ ये नहीं बताऊंगी कि उन्हीं का नाम बताऊंगी उसके अलावा उन यूनिवर्सिटीज़ का नाम भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी जो कि वाकई ही अच्छी डिग्रीज़ करवा रही हैं सीएस करवा रही हैं एस करवा रही हैं और आईटी करवा रही हैं ये तीनों डिग्रीज़ वाकई अच्छी वो यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ से आप लोग कुछ लर्निंग करते हैं कुछ सीख के निकलते हैं जिनका तो मैं नाम आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ तो नंबर वन पे आती है जी गुलाम इसाक जिसको हम लोग गुलाम मसाक यूनिवर्सिटी कहते हैं जी की यूनिवर्सिटी बहुत नाम रखने वाली यूनिवर्सिटी है हाई स्टैंडर्ड की यूनिवर्सिटी है पाकिस्तान में बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो यहाँ पे एडमिशन लेने के ख्वाहिशमंद होते हैं जी की मैं हर किसी के एडमिशन इसीलिए भी नहीं हो पाता कि थोड़ी एक्सपेंसिव भी है और इसके अलावा यहाँ पे मेरिट क्राइटेरिया भी थोड़ा स्ट्रिक्ट है सिलेक्टिव स्टूडेंट्स जो है वो सिलेक्ट किए जाते हैं मगर अगर आप लोगों का कंप्यूटर साइंस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग या आई टी टेक्नोलॉजी में यहाँ पर एडमिशन होता है तो बहुत अच्छी बात है इस यूनिवर्सिटी का नाम सुनते ही आप लोगों को जो है अगला बंदा जॉब देने के लिए रेडी हो जाता है क्योंकि उसको पता होता है कि आप लोग कुछ ना कुछ सीख के कुछ न कुछ लर्न करके प्रैक्टिकल लाइफ से और कुछ ना कुछ अपना अपना आप अप करके ही जी से आए हैं तो आप लोगों को मार्केट में जॉब जो है वो आसानी से मिल जाती है नंबर टू पे आती है आई और लम्स अच्छा आई बी ए और Lums को मैंने एक साथ इसलिए बोला है क्योंकि आई बी ए कराची की है लम्स जो है वो लाहौर की है और दोनों ही इक्वलेंट Uh, जो है वो स्टैंडर्ड भी रखते हैं पैसे भी बहुत ज़्यादा रखती हैं एक्सपेंसिव यूनिवर्सिटीज़ में से भी एक हैं ये दोनों ही बहुत एक्सपेंसिव हैं मगर अगर, अगर आप लोग कराची में हैं और इसको अफोर्ड कर सकते हैं आई को विच इज़ विच स्टैंड फॉर इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस एंड एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ से सी की डिग्री बहुत अच्छी करवाई जाती है यहाँ से इसके अलावा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की डिग्री बहुत अच्छी करवाई जाती है इन्फॉमेसन एंड टेक्नोलॉजी की बहुत अच्छी डिग्री करवाई जाती है तो अगर आप लोगों का कर ताल्लुक कराची से और आप लोग अफोर्ड कर सकते हैं इस यूनिवर्सिटी को अगर आप लोगों का प्लान है किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी से ही करने का तो बेहतर है आप लोग जो है आई बी ए को चूज करें तो वो ज़्यादा अच्छा है और इसके साथ आती है Lums. Lums जो है वो लाहौर में, में, में है लाहौर में में है है आई थिंक फेज़ लम्स जहां पे जहाँ के स्टूडेंट्स जो हैं वो थोड़े अलग इसलिए भी होते हैं क्योंकि लम्स से जब वो निकलते हैं वो कुछ ना कुछ बन के निकलते हैं उनकी एक उनको पॉलिश इस तरीके से किया जाता है कि वो आगे मार्केट के लिए रेडी हो सकें वो आगे मार्केट में जब जॉब लेने जाए उसके लिए रेडी हो सकें वो इंटरनेशनली जब आ, किसी स्टडी के लिए जाए या किसी भी चीज़ के, ल, के लिए जाए तो वो अपने आप को सेल्फ प्रिपेयर करके जाए उनकी फैकल्टी भी बहुत अच्छी होती है फ़ॉरन फैकल्टी भी होती है तो वहाँ से अगर आप लोग डिग्री करते हैं इन तीनों की तो बहुत अच्छा स्कोप है उनका अच्छा जी नंबर थ्री पे आती है नस्ट नस्ट जो है वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी नहीं है वो गवर्नमेंट लेवल की यूनिवर्सिटी है मगर वो एक ब्रांडेड यूनिवर्सिटी है जिसका एक नाम है और एक नाम रखने के बावजूद भी इस यूनिवर्सिटी की फ़ीस इतनी ज़्यादा नहीं होती और इसका मेरिट क्राइटेरिया ज़रूर थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होता है मगर अगर, अगर आप लोगों को यहाँ पर एडमिशन मिलता है तो आप लोग ज़रूर नस्ट को चांस दें तो नंबर फ़ोर पे आती है लाहौर की यू ई टी यू जिसको हम यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी कहते हैं वो किसी भी तारफ़ की मोहताज नहीं है यू बहुत पुरानी यूनिवर्सिटीज़ में एक है जो कि स्पेशली सी और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लिए फेमस है यहाँ से बहुत सारे बच्चे जो है स्टूडेंट्स जो है वो इस डिग्री को करके जाते हैं वो सी भी करते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग भी करते हैं और आई भी करते हैं और इन तीनों डिग्री के लिए वो कहते हैं ना रगड़ा लगाने वाली यूनिवर्सिटी है गवर्नमेंट लेवल में आप लोगों को ये फायदा होता है यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने का कि आप लोग रगड़ा लगाते हैं आप लोगों को अंदाजा हो जाता है कि कितनी मुश्किल आप लोगों को आगे आ सकती हैं मार्केट किस तरह चल रही है एक लोकल लाइफ आप जब गुजारते हैं तो आपको अंदाजा हो जाता है कि मैं एडजस्ट किस तरीके से कर सकता हूँ मेरी फील्ड की एडजस्टमेंट कहाँ कहाँ हो सकती है मैं पाकिस्तान में रह सकता हूँ या नहीं रह सकता मेरा गुजारा हो सकता है या नहीं हो सकता आप लोगों को यूईटी की लाइफ से ही अंदाजा हो जाता है नंबर फाइव पे आती है कॉम्पैट्स और फास्ट यूनिवर्सिटी ये दोनों को साथ इसलिए बोला है क्योंकि दोनों ही आगे पीछे की यूनिवर्सिटीज़ हैं कॉमसर्स जो है वो पब्लिक यूनिवर्सिटी है और फास्ट जो है वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी है फास्ट इज़ वन ऑफ़ द मोस्ट एक्सपेंसिव यूनिवर्सिटीज़ इन पाकिस्तान मगर फ़ास्ट के स्टूडेंट्स जो है वो फ़ास्ट यूनिवर्सिटी के नाम की तरह ही फ़ास्ट होते हैं फास्ट की एक और ब्रांच भी है फैसलाबाद में मगर अनफॉर्चुनेटली वो उस तरह से कामयाब नहीं है जिस तरह से लाहौर की फास्ट वाली ब्रांच है वो ज़्यादा कामयाब कह सकते हैं उसको है बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत सारे स्टूडेंट्स यकीन करें सीएस एस पे आईटी में और सॉफ़्टवेयर इंजीनियरिंग में फ़ास्ट में एडमिशन लेते हैं और बहुत शौक़ से करते हैं अच्छा आई थिंक फ़ास्ट में मल्टीपल डिग्रीज uh, जो है वो अभी नहीं करवाई जाती मगर फास्ट इज़ फेमस फॉर आईटी अगर आप लोग आईटी करना चाहते हैं तो फास्ट कर फास्ट में एडमिशन ले सकते हैं और फास्ट में जो एडमिशन लेते हैं तो uh, सिर्फ आप लोगों को करिकुलम लेवल पर नहीं सिखाया जाता है या पढ़ाया जाता है आप लोगों को प्रैक्टिकल लाइफ में भी बहुत ज़्यादा इन किया जाता है और को कोकलिकुलर एक्टिविटीज़ में भी बहुत ज़्यादा मतलब आप लोगों को पार्टिसिपेशन का मौका दिया जाता है जिससे आप लोग जो है उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ों में नाम बनाते हैं अब मैं उन यूनिवर्सिटीज़ की तरफ आती हूँ जो कि उस तरीके से ब्रांडेड नहीं है मगर वहाँ पे आईटी, सीएस और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बहुत अच्छी करवाई जाती है तो उसमें सबसे पहले नंबर पे आती है यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ़ लाहौर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में से एक ज़रूर है मगर ऑब्वियसली वो जी की फास्ट कॉमसेट्स और लम्स और आईबीए के मुकाबले और नस्ट के मुकाबले की नहीं है मगर यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में से बहुत अच्छा रैंक रखने वाली यूनिवर्सिटी भी है और उसके अलावा यहाँ से जो है आ, इन तीनों की डिग्रीज को करवाया जाता है अच्छा यूनिवर्सिटी अच्छी वो होती है जहाँ पे बहुत सारी वैरायटी हो आप लोगों के पास डिग्रीज़ के लिए कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी होती हैं जो 10 से 12 डिग्रीज़ करवाती हैं और वो फिर आगे ज़्यादा चल नहीं पाती हैं और उसी टाइम पे फ्लॉप हो जाती हैं मगर यूनिवर्सिटी वही कामयाब होती है जो न्यू से न्यू डिग्री मुतारफ़ करवाए अच्छा जी उसके बाद नंबर टू पर आती है एयर यूनिवर्सिटी जो कि इस्लामाबाद में वाक्य है ये भी बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है यहाँ से भी आप लोग डिग्री जो है वो कर सकते हैं अपनी अच्छा इधर आप देख लीजिएगा ये ये एयर यूनिवर्सिटी जो है वो इस्लामाबाद की वेल नोन यूनिवर्सिटीज में से एक है जहाँ पे हर साल बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो एडमिशन लेते हैं और ती इन तीनों डिग्रीज़ में से बहुत सारी डिग्रीज़ इसके अलावा भी करके जाते हैं अच्छा जी नंबर थ्री पे आती है पी यू सी आई टी अच्छा आप लोगों को नाम से अंदाज़ा हो गया होगा पी यू सी आई टी जो है वो पंजाब यूनिवर्सिटी का एक कैंपस है जो कि ओल्ड लाहौर में वाक़ है उसके लिए जो है सबसे अच्छी जो डिग्री है वहाँ पे वो आईटी की करवाई जाती है वो आईटी के लिए स्पेशल यूनिवर्सिटी है और उसका मेरिट भी थोड़ा हाई होता है मेरिट के हिसाब से अगर वैसे भी बात करें तो उसका एक टेस्ट होता है वो आप लोगों ने क्लियर करना होता है अच्छा उसके आगे नंबर फोर पे आती है यू एन यू जो है वो यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी है और जिस यूनिवर्सिटी के साथ टेक्नोलॉजी का वर्ड आता है आप लोग समझ जाएं कि वहाँ पे आईटी सी एस और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जैसी डिग्रीज करवाई जाती हैं तो आप लोग वहाँ से भी जो है इन इन तमाम तीनों डिग्रीज़ में से कोई भी डिग्री चूज़ कर सकते हैं वहाँ पर भी आई थिंक यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी तो इस साल प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में से नंबर वन पर रैंक किया है बहुत सारी एडवर्टाइज़मेंट हम ऑलरेडी देख चुके हैं तो अगर आप लोग चाहते हैं तो वहाँ एडमिशन ले सकते हैं वो अफोर्डेबल है आई बी ए लम्ब और इस तरह की यूनिवर्सिटी से लास्ट यूनिवर्सिटी जो कि मैं मैंशन करना चाहती हूँ वो है कायद आज़म यूनिवर्सिटी कायद एजम यूनिवर्सिटी जो है वो इस्लामाबाद में है और वो भी बहुत अच्छा रैंक रखती है वहाँ से भी आप लोग सी एस ई और आई टी की डिग्री कर सकते हैं वहाँ पे भी बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो इन होते हैं आहिस् आहिस्त कायद अजम यूनिवर्सिटी ने इतना ज़्यादा नाम बना लिया अब कि बहुत सारे स्टूडेंट्स लाहौर से पेशावर से कराची से भी वहाँ जाते हैं और एडमिशन लेते हैं अब मुझे लगता है ये वो यूनिवर्सिटीज़ में से एक है जो कि फ्यूचर में एक अच्छा और ब्रांडेड नाम बना सकती हैं है तो ये पब्लिक यूनिवर्सिटी मगर पब्लिक यूनिवर्सिटी यू भी है वो भी एक ब्रांड है जिसको सुनते हैं कि यू से पढ़ा हुआ है या पढ़ी हुई है तो उसको भी फ़ौर से पहले अच्छी जॉब मिल जाती है तो ये भी उन यूनिवर्सिटीज में से एक है जो कि आगे जाके एक अच्छा रैंक और नाम ज़्यादा मजीद बनाएगी अभी भी बहुत अच्छी है मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगी कि अच्छी नहीं है अभी भी बहुत अच्छी है एक और यूनिवर्सिटी है जिसके बारे में अभी लोग ज़्यादा नहीं जानते हैं। मगर मैं चाहती हूँ कि आप लोग उसको जाने जिसका नाम है आई इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी जो कि अरफा टावर लाहौर में वाक़ है अरफा टावर के बिल्कुल पीछे एक बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वहाँ जाते हैं और उस यूनिवर्सिटी की सबसे स्पेशल बात यह है कि वहाँ स्किल्स डेवलपमेंट बहुत होती है आपकी स्किल्स बहुत पॉलिश होती है स्किल डिवेलपमेंट होती है आप लोगों को लेटेस्ट से लेटेस्ट चीज़ों का वहां पे पता चलता है और टेक्नोलॉजी बहुत हाई है वहां की तो अगर आप लोग चाहते हैं तो आप लोग आईटी की स्पेशल डिग्री जो है आईटी की वहाँ से कर सकते हैं इवन दो आ, इन फ्यूचर वो आगे और भी मज़ीद डिग्रीज़ करवाएंगे मगर वो आईटी के लिए स्पेशल यूनिवर्सिटी है आप लोग वहाँ एडमिशन ले सकते हैं वहाँ के स्टूडेंट्स भी बहुत काबिल और बहुत क्रिएटिव होते हैं वो बहुत कुछ सीख के जो है वो निकलते हैं तो अगर आप लोग चाहते हैं कि आप एक अच्छी जगह से आई कर सकें तो आप आई जो अलफ़ा टावर के बैक साइड पर अरफ़ा टावर में ही है आई गेस अर्फा टावर में वाक्य है वहाँ पर आप लोग जो है वो एडमिशन ले सकते हैं वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा मैं दोबारा आऊँगी